सो हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। सो कैसे हो आप? सो आई होप अच्छे हो गए। सो अभी का क्या सीन है, जैसे आप देख सकते हो मैं सारांश के साथ खेल रही हूँ। ये ना कैंडी प्लस खा रहा था, मतलब गुड़िया के बाल, तो ना ये मुझे दे नहीं रहा था, मैं इससे मांग ली थी। देखो कैसे करेगा, अब देखना क्या बोलेगा। अब दे दो। अब दे दो। क्या खा लू? आप दो मुझे, जब तक खाऊंगी मैं। तेज देगा नहीं मुझे, नहीं देने सारा। मैंने सारा से चीज ली थी, लाओ दे, मैं भी खा लूंगी। खा लू मैं? धनुष के बाद ये उसकी बुआ जी ने इससे मांगा तो उन्हें भी नहीं दिया। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, छोटी वाली दीन नंद है मेरी ये। सो देखो दी अपने हाथ से लेकर खा रही है, नहीं दे रहा किसी को। बहुत नया लायक है, बड़ा नया लायक है। दे दो बूजी को, दे दो सारांश, और दे दो बुआ जी को। वही सारांश नहीं देगा, अपना हाथ खाएगा। अपना आप ही खाएगा, देगा नहीं किसी को। है लो, चाची को दे दो। लाओ मुझे खिला दो, जाओ दे के आओ चाची को, जल्दी दे, जल्दी दे दो। फिर दी ने बोला जैसे मुझे खिलाने आया था, पहले तो देख रहा था कैमरे में। खिला दे। नहीं हाथ में देके जाता था। देन सारांश के साथ मस्ती करने के बाद तो मैं बना रही थी न्यू डिश, अपने ससुराल में फर्स्ट टाइम बनाई है मैंने। वैसे तो आप देख कर पहचान जाओगे क्या बना रही हूँ मैं। ये गुड़ है साथ में, उस पर आपने जो रखा है वो आटा है, तो मैं दोनों मिक्स करूँगी, तो मेरे बहुत फेवरेट है वैसे ये। देन उसके बाद जो भी मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैं छान रही हूँ, जैसे आप देख सकते हो अच्छे से। छानने के बाद इसमें ना थोड़ा गुड़ रह गया था, मतलब जो अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो पाया था। सो फिर उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया जो मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि जो गुड़ रह गया था थोड़ा सा, तो उसे मेल्ट करने के लिए वो मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसे। सो मिक्स करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी जो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देन उसके बाद आप देख सकते हो सारांश मुझे कैसे देख रहा है। ये मेरे साथ ही रहता है, बहुत क्यूट है सच में। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो मतलब मैंने स्टार्टिंग में गुड़ का पानी बनाया था और आटा दिखाया था, दोनों मैं दोनों को मिक्स कर रही हूँ। तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जितने भी आटे की नीड होगी उतना ही मैं मिक्स कर लूँगी। और साथ में मेरे पीछे जो आप देख रहे हो सिस्टर इन लॉ, जैसे मैंने बताया था आपको, तो ये भी मेरी हेल्प करा रही है। तो मैं वो आटा जो मैं मिला रही हूँ इसमें वो अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मतलब जो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो मैं जब उसके बाद मेरा पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा, और फिर मैं उसके बाद बनाऊँगी। जैसे आप पीछे देख रहे हो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो घिया कस रही है, तो ना उनके साथ सारांश है। अभी मैं आपकी सारांश की एक एक्टिविटी दिखाती हूँ क्या करेगा वो। वेट, सो देखिए क्या कर रहा है ये, मतलब उसकी बुआ जी घिया कस रही थी तो बोलने लगा मैं कसूँगा। तो देखो इसकी इतना शरारती है ना सच में, उसकी बुआ जी मना करिए लग जाएगी, पर नहीं दे रहा, उन्हें भी नहीं दे रहा, उन मेरी तरफ देख रहा है। बहुत नोटी बॉय है सच में, बहुत हेल्प कराता है हमारी सच में ही, जैसे आप देख सकते हो इसे। है कोई बच्चा ऐसा इतना काम करता है सच में। देन उसके बाद आप देख सकते हो मेरा पेस्ट भी रेडी हो गया, मैंने तवा भी रख दिया, गैस ऑन भी कर दी है, ऑयल भी साथ में रख लिया है, जिस चीज़ की भी नीड है वो सब चीज़ मैंने अपने पास रख लिया है। अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। ओके देन मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। मैं तवे पे ऑयल डाल रही हूँ, जितना ऑयल की नीड होगी उतना डालूँगी। देन उसके बाद मैं जो पेस्ट रेडी किया था मैंने पहले अच्छी तरह, मतलब इसे अच्छी तरह मैं ऑयल लगा लूँगी तवे पर ताकि चिपके ना वो, और फिर उसके बाद मैं पेस्ट डालूँगी उसमें। पेस्ट डालने के बाद मैं उसे अच्छे से राउंड करके मतलब घुमाऊँगी, और फिर अच्छे से तैयार हो जाएगा ये। सो अभी मैं इसे राउंड राउंड घुमा रही हूँ ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छे से बने। सो अभी हम इसका वेट करेंगे, जब तक नहीं होगा जब तक लोग ऐसे तक इसको होने देंगे।
सो इस तरह से शेप आई थी इसके, बिल्कुल गोल बना हुआ है, अच्छा लग रहा है देखने में। सो उसके बाद मैंने लो गैस कर दी थी जैसे आप देख सकते हो, फिर मैं चेक कर रही थी कि हो गया नहीं हुआ, बट ये अभी नहीं हुआ था जैसे आप देख सकते हो। तो मैं अभी साइड में इसके ऑयल डालूंगी स्पून से, तो देन उसके बाद मैं धीरे धीरे इसको हटाऊंगी ताकि चिपके ना, ऑयल मैंने इसलिए डाला था ताकि साइड से ना चिपके। तो मैं इसे धीरे धीरे चारों तरफ से ऐसे घुमाकर आराम से पलट दूंगी जब ये हो जाएगा। सो ये हो गया, ये अब नहीं चिपक रहा है ये। सो मैं सो आप देख सकते हो इस टाइप का मेरा चीला बनके रेडी हो गया है, अच्छा लग रहा है ना, मुँह में पानी तो नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो वहाँ से मेरी मदर इन लॉ आ रही है, तो वो पूछ रही है कि बन गए क्या। मैंने बोला हाँ जी मम्मी बन गए हैं, तो आप खा के बताइए कैसे लग रहे हैं। तो मम्मी बताएगी अब खाने के बाद कैसे लग रहे हैं। सो मम्मी बोल रही थी कि अच्छे बने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं खाने में, टेस्टी है। मम्मी मेरा पेस्ट के लिए बोल रही थी कि बहुत टाइट हो रहा है, थोड़ा सा पानी मिला ले, वैसे तो ठीक है। तो मैं मम्मी के लिए पानी लेने गई थी, तो मैंने मम्मी को पानी लाकर दे दिया है, मम्मी उसमें मिक्स कर रही है अच्छे से, और वो और अच्छा पेस्ट बन जाएगा, फिर और अच्छे से बनेंगे। ओके सो मम्मी मेरा पेस्ट रेडी करके चली गई थी, और मम्मी मुझे बोल रही थी कि अब बंद कर दे, अब तू भी खा ले, हमने भी खा लिया, तू भी टेस्ट कर ले। सो उसके बाद दीदी आई मुझे बोलने के लिए तू भी खा ले, तो मैं कह रही अभी नहीं खा रही मैं, बाद में खाऊंगी दीदी, आप सब खा लो पहले, तो बोली हम तो खा ही रहे। फिर उसके बाद हम बातें करने लगे, बहुत सारी मस्ती भी करी साथ में, बनाते बनाते इंजॉय भी किया, बहुत अच्छा लग रहा था। सच में दी बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली है, मैं अच्छे से बातें भी शेयर कर लेती हूँ हर बात, मतलब जो भी होता है मन में मैं सब बता भी देती हूँ, मतलब अच्छा लगता है। जैसे मुझे सिस्टर की नीड थी, मैं बोलती थी मम्मी से, तो सच में मुझे सिस्टर ही मिल गई यहाँ पर, एक बड़ी बहन की तरह। सच में बहुत अच्छे से इंजॉय किया हमने, बनाए साथ में और खाया भी। फिर दी मुझे बोलने लगी मैं बनाती हूँ और आप खा लो, तो मैं कह रही दी मैं बना लेती हूँ, कह रही नहीं मैं बना रही हूँ, हमने खा लिया, वो आप खाओ। तो दीदी ने बनाना स्टार्ट किया, अब मैंने उस पर डाल रखा था पेस्ट अपना, बस उस पर ऑयल लगा के उसे सेकना था अच्छे से। तो हम मतलब बातें कर रहे थे, हंसी मतलब आ रही थी, जैसे आप सब देख सकते हो कैसे हंस हंस के हम इंजॉय भी कर रहे, मतलब बना भी रहे और खा भी रहे और अच्छे से बातें भी कर रहे। सच में बहुत अच्छा लग रहा था साथ में दी के। फिर मैं दी को बोलने लगी कि दी आप भी खा के बताइए कैसा लग रहा है, तो मैं दी को दूंगी खाने के लिए, फिर दी मुझे बताएगी कैसा लग रहा है। वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है, दी खाएगी और बताएगी कैसा लग रहा है। सो दी ने खाया अब, तो बोलती अच्छा लग रहा है, बहुत यम्मी बना हुआ है, टेस्टी है खाने में। तो मैंने भी चेक किया कि मैं भी देखती हूँ कैसा लग रहा है कि सच में अच्छा बनाया गया है, सब ऐसे ही बोल रहे हैं, बट सच में अच्छा बना हुआ था। तो खाते खाते हम हंस भी रहे थे, मतलब साथ में बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो हम कैसे बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं और खा भी रहे हैं साथ में। फिर दी से मैं बोलने लगी चलो मैं बनाती हूँ, तो फिर मैंने बनाया, मैंने भी ट्राई किया, मैं तो कर ही रही थी, बट दीदी ने बोला तो मैंने दीदी को बोल दिया करने के लिए। सो दीदी ने भी बनाया, वो भी अच्छा बना था, तो अभी मैं बना रही हूँ जैसा आप देख सकते हो। सो मैं दीदी को बोल रही थी कि और खाओगे क्या, दी कह रही नहीं बस डांस करके दिखा रही है, कह रही मौज कर दी चीले बना के, ऐसे करके बना दिया। सो चीला खाने के बाद हम किचन से अंदर रूम में आए, तो आप देख सकते हो दी क्या कर रही है, पूछते हैं दी से क्या कर रही है। दूध पिया रहा हूं। किसे? बाबू, छोटा बाबू। हाँ। पी ले जल्दी ना पिटेगा। पी जल्दी, पागल सा। ओ, रुला दिया। पी ले। चुप करो भी सर। नहीं नहीं कर लो।
जब छोटे थे कितने खेलते थे ना ऐसे डोल लेकर बैठ के सो जा भाई इसे दूध पिलाना खिलाना सूर्य सारांश तो लंबू सूर्य आंखें बंद कर लो नीनी कर लो नीनी कर लो नीनी दो इसमें फिनिश कर दिया जल्दी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।